everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will be covering collection, preservation, packaging and forwarding of biological sample saliva. Before starting this video, if you are new to the channel, so please subscribe to the channel, like the video and press the notification bell icon. So let's start our today's lecture, जिसमें हम देखेंगे collection, handling, packaging, preservation and forwarding of biological evidence जो कि है saliva. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है that what is saliva. So saliva is an extracellular fluid produced and secreted by salivary gland in mouth. माउथ में salivary gland present होती है जो कि एक fluid secrete करती है which is known as saliva. ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमंस जो होते हैं वो 98% जो ह्यूमन का सलाइवा होता है वो 98% वाटर होता है प्लस इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस, WBCs, एपिथेलियल सेल, एंजाइम्स एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट होता है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंजाइम्स, WBCs, म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें. Saliva is white, frothy and concentrated fluid and contain a mixture of antigen and enzymes. Enzymes or antigens इसमें present होते हैं. और human saliva करता क्या है, तो saliva mouth को moist करके रखता है और comfortable रखता है. ठीक है ना, और chew करने में, क्या करने में, saliva chew करने में help करता है, chewing and swallowing. क्लियर है, साथ ही में ये जर्म्स से फाइट करता है, इसमें एंजाइम्स और एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. अब सलाइवा कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो सलाइवा क्लोथ्स पर, सिगरेट बट, बॉटल, कप, हैंकी और बाइटिंग केसेस में भी. अगर असॉल्ट का केस है, मान लीजिए असॉल्ट, किडनैपिंग, हैंगिंग, इन सब में, तो अगर बाइट मार्क्स देखे गए हैं तो वहाँ पर भी सलाइवा मिल सकता है. हैंगिंग, क्वेलिंग, फाइटिंग, टोबैको स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग जो टोबैको जो भी खाते हैं वो स्प्लिट करने की उनकी आदत होती है जगह जगह पर, तो वहाँ पे भी सलाइवा मिलेगा. और कई टाइम एक कुछ डिसीजेज होती हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली सलाइवा सेक्रीट होता है, तो सलाइवा इस तरीके से मिल सकता है. सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में. ठीक है, अब हमें कहाँ कहाँ चेक करना होगा, जो भी सस्पेक्टेड एरियाज, कॉर्नर्स लग रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सलाइवा मिलने की, उन सारे एरियाज को हमें चेक करना होगा कि वहाँ पर सलाइवा प्रेजेंट है या नहीं है. अब सलाइवा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से डीएनए प्रोफाइलिंग और ग्रुपिंग टेस्ट भी किया जाता है. बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि सलाइवा में एंटीजन प्रेजेंट है जो कि हम जानते हैं, जिसकी मदद से हम ग्रुपिंग टेस्ट कर सकते हैं और हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं. और अगर ये दोनों चीज़ें हमने सलाइवा से कर ली तो हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाता है. अब हम ब्लड ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं सलाइवा के थ्रू, मैंने अभी बताया, लेकिन क्या होता है सलाइवा कई बार कंटामिनेट फॉर्म में मिलता है, या तो वो लिपस्टिक से कंटामिनेट हो जाएगा या फिर ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो इस तरीके से वो कई बार जो होता है कंटामिनेटेड फॉर्म में मिलता है. अब एक और कंडीशन आती है, अगर सलाइवा ड्राई स्टेन्स है, सलाइवा के ड्राई स्टेन्स प्रेजेंट है. ठीक है, आपने डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे कुछ स्टेन प्रेजेंट है, सलाइवा हो सकता है पर वो ड्राई है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, वेट करेंगे. अब वेट करने के लिए क्या करेंगे, पानी नहीं डाल देंगे कि हमने पानी डाल दिया वो तो पूरा बह जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर कॉटन स्वैब लेना है नॉर्मल वाटर की मदद से, उसमें डिप, कॉटन स्वैब को डिप करेंगे और जो स्टेन है उस पर रब करेंगे. ठीक है, स्टेन है उस पर हमने रब कर लिया तो हमारे कॉटन में जो है हमें स्टेन मिल चुका है और हम उसे क्या करेंगे, ट्यूब में या बैग में प्रिजर्व कर लेंगे. ठीक है, अगर हमें च्युइंगम, टोबैको स्पाइट मिलता है क्राइम सीन पे, तो उन्हें भी हम एयर टाइट बैग्स में ही प्रिजर्व करेंगे. ठीक है, च्युइंगम जो है वो पूरा एयर टाइट बैग में रख लेंगे उठा के, या टोबैको स्पिट मिलता है तो उसको भी हम इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं. क्लियर है बात, ड्राई है तो वेट कर लेंगे, वेट मतलब हम उसको कॉटन स्वैब से, और च्युइंगम वगैरह मिलती है तो उसको डायरेक्ट रख लेंगे. सिंपल था, इतने ही तरीके से हम सलाइवा को प्रिजर्व करते हैं और ये डीएनए प्रोफाइलिंग और ग्रुपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए हमें इसको ढूंढना और पैक करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए हमने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ सलाइवा था, प्लेसेस मैंने आपको बता दी, फिर हमने उसको
पैक कर लिया, साथ ही में हमने उसको प्रिजर्व कर लिया एयर टाइट बैग में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम सील करेंगे सारे एविडेंसेस को, हम सील करेंगे और अब हम इसे फॉरवर्ड करेंगे टू FSL। तो वहां के लिए हमें सेम प्रोसीजर करनी है जो मैं पहले भी दो बार बता चुकी हूँ। हम एक कार्टून लेंगे, ठीक है, उसमें हम अपने एविडेंस को रखेंगे जो सील्ड एविडेंसेस हैं, साथ में इस बैग को, इस बॉक्स को हम फिर से सील करेंगे प्रॉपर तरीके से। सील करने के बाद में हम फॉरवर्डिंग लेटर और एक सील की कॉपी और फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में किसी भी पुलिस ऑफिसर के हाथों ये FSL में सेंड कर देंगे। क्लियर हो गया, यही था हमारा कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ सलाइवा एविडेंस, ठीक है। अब अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर का, साथ ही में बाकी लेक्चर्स का PDF, बुक्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें मैं इसी ग्रुप में शेयर करती हूँ। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।